आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आपको हम आज एक राष्ट्रवादी ऑफिस में ले चलते हैं जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, जश्न मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरों में नज़र भी आ रहा होगा कि केक काटा जा रहा है, लेकिन आपको हम ये बता देना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि ये केक जो है वो शोएब गुट्टू के जन्मदिन का नहीं है, बल्कि ये केक जो है उनके राष्ट्रवादी में प्रवेश होने के पूरे एक साल पूरे होने की खुशी में है। जी हाँ, राष्ट्रवादी के जब शोएब गुट्टू राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उस रोज से लेकर अब तक का राष्ट्रवादी पार्टी ने शोएब गुट्टू के नेतृत्व में क्या क्या काम किया, उन तमाम चीज़ों से आगाह करवाया हमें शोएब गुट्टू साहब ने। और साथ ही साथ वहाँ पर केक भी काटा गया, लोगों ने उनका फूलों से, गुलदस्तों से, बुके से स्वागत किया। तमाम पूरे के पूरे ऑफिस में जो है लोग उमड़ कर आए थे शोएब गुट्टू को बधाई देने के लिए। आइए चलते हैं, उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं, साथ ही साथ शोएब गुट्टू से बात भी करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक साल का सफ़र एनसीपी का तय किया। क्या कहना चाहेंगे? आज 18 अगस्त 2022 को पूरा मुझे भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी का अध्यक्ष बने एक साल मुकम्मल हुआ है, और जिसके लिए आज भिवंडी राष्ट्रवादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर सेवक लोग एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा था, इसमें आज वो लोगों ने एक खुशी का माहौल बना में मुझे मुबारकबाद दी। एक साल पूरा होने पर मैं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे खुशी है कि आज एक साल एनसीपी में पूरा हुआ और मुझे काम करने में मेरे पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत फख्र महसूस हुआ। उनका बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर एक साल ज़मीन पर उतर कर पब्लिक की सेवा और जो भी शहर के विकास के कामों को लेके मेरा साथ दिया, और उन्हीं की ताकत से आज भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी चाहे पश्चिम हो पूरब हो आज माशाल्लाह बहुत मजबूत है। इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो जितेंद्र आवास साहब का रहा है, जिन्होंने भिवंडी शहर को लेके वो बहुत चिंतित थे, इस शहर के विकास को लेके बहुत चिंतित थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज सरकार हमारी गिरने की वजह से जो हम शहर के विकास करना चाहते थे, जो शुरुआत की थी, वो मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन हम नाउम्मीदी नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सरकार भी बनेगी। ये सरकार तो आती जाती रहती है, और सरकार नहीं भी रहेगी तो हम काम करने वाले लोग हैं, वैसे भी हम शहर के विकास के हित में जो काम हो सकेगा राष्ट्रवादी पार्टी करेगी, और उनके वरिष्ठ नेता जो भी हमारे नेता लोग हैं, अजीत दादा पवार साहब है, जयंत पाटिल साहब है, आवार साहब है, उन्होंने कहा है कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जहाँ भिवंडी शहर के विकास का मामला रहेगा वहाँ हम साथ में है। क्योंकि आज अपोजिशन लीडर जो महाराष्ट्र में है राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत दादा पवार साहब हैं, उनकी एक खुद की ताकत, उनका खुद का एक फंड लेकर हम शहर का विकास के लिए पूरा इंशाल्लाह काम करेंगे, और आने वाले वक्त में जो महानगर पालिका का इलेक्शन है अल्लाह था तो राष्ट्रवादी पार्टी की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ।